नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर। और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो सजने लगा है प्रभु श्री राम का दरबार, रामलला का दरबार, और उपहार पहुंचने लगे हैं राम के दरबार में अपार। इसी की आज हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि उपहार कौन कौन से पहुंच रहे हैं, चाहे फिर राम जी के ससुराल की बात हो, जानकी जी के घर की बात हो, उनके मायके की बात हो, वहां से भी उपहार जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं, या फिर अलग अलग शहरों की बात हो, महाकाल नगरी की बात हो, वहां से भी प्रसाद पहुंच रहा है राम भक्तों के लिए। महाकाल मंदिर की तरफ से तैयारी की जा रही है। और फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के भांचा कहलाते हैं राम, यानी कि भांजे। और ऐसे में ननिहाल से क्या कुछ आ रहा है इसको आपको बताने वाले हैं और इसकी जानकारी हमारे सहयोगियों से लेने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि देखिए ये प्रभु श्री राम का जो ससुराल है, यानी कि जानकी जी का मायका है, माता सीता का जो मायका है, वहां की तस्वीरें आप देखिए जरा कि कितना यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये नेपाल से आ रही हैं तस्वीरें, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि क्या अद्भुत यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के ससुराल की बात है तो जाहिर सी बात है कि ससुराल से क्या कुछ जाता है। चांदी के बर्तन दिए जा रहे हैं, इसके अलावा देख सकते हैं आपकी फल, मिठाइयाँ, मेवे, मिष्ठान, तमाम चीजें, इसके अलावा ज्वेलरी जो है वो भी वहां पहुंचाई जा रही है। तो ये देखिए तैयारियां, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तैयारियों की तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या शानदार यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। और यहाँ से अब रामलला के दरबार के लिए देखिए आप कितनी अद्भुत तस्वीरें हैं यहाँ पर रामलला के दरबार के लिए, यहाँ पर ये सारी तैयारियां की गई हैं। और ये सभी लोग जो है अयोध्या जाएंगे और वहां पर ये रामलला को उपहार स्वरूप ये भेंट करने की तैयारी है। तो ये तस्वीर आई है नेपाल से। एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं, ये तस्वीर जरा देखिए, ये तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है उज्जैन में, लड्डुओं को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए तस्वीर कितना कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, और ये उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से रामलला के लिए खास तौर पर भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और तस्वीरें आई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीर जो है ये वडोदरा से आई है, चलो अयोध्या, वडोदरा से ये तस्वीर आई है। और इस तस्वीर को आप अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो तस्वीर है, ये जो आप देख रहे हैं, जिसे छू रहे हैं लोग, ये दरअसल अगरबत्ती है। और ये अगरबत्ती कोई छोटी मोटी अगरबत्ती नहीं, 108 फीट की अगरबत्ती ये तैयार की गई, और खास रामलला के लिए तैयार की गई है। तो आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि हर कोई इसे छूना चाहता है और रामलला के प्रति अपनी श्रद्धा जो है वो दर्शाना चाहता है। वडोदरा से ये तस्वीर आई है। इसके अलावा एक तस्वीर और आई है और वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर जरा देखिए कि ये जो है ये नगाड़ा है, जी हाँ ये नगाड़ा है, और ये 800 किलो का नगाड़ा है जिसे बजाते हुए, ये भी अहमदाबाद से जा रहा 800 किलो का नगाड़ा, और इसे बजाते हुए राम भक्त जा रहे हैं, ये भी वहां पर अर्पित किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं उज्जैन से अजय बटवा, और साथ ही में हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से युगल तिवारी, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो युगल स्वागत आपका, अजय आपका भी स्वागत, और हमारे दर्शकों को बताइए सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ जो राम जी का ननिहाल है, ननिहाल से नानी के घर से क्या कुछ प्रभु श्री राम के लिए भेजा जा रहा है, क्या तैयारी है, क्योंकि उपहार तो इतने हैं कि आप समझ लीजिए कि शायद वहां जगह और इस उपहार को रखने की जगह ना मिले, लेकिन लोगों की आस्था है और आस्था का प्रतीक हम देख ही रहे हैं कि देखिए मंदिर भी बनकर तैयार हो रहा है। जी बिल्कुल पुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे अहम बात यही है कि जो सृष्टि के रचयिता है, जो देने वाले हैं, उसे एक जो तुच्छ इंसान है, आम आदमी है, कुछ नहीं दे सकता, और जो दे रहे हैं वो अपनी भावना है, भाव भक्ति है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़, वैसे भी छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल है, सुगंधित चावल है, वो अयोध्या अर्पित किया जा रहा है प्रसाद के लिए। यहाँ कई लगभग ग्यारह ट्रकों में भर करके सुगंधित चावल भेजे गए हैं ताकि वहां पर अयोध्या में प्रसाद है वो लग सके, भोग का वितरण हो सके। इसके अलावा साग सब्जियां हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा तो कहा जाता है, खास उसके साथ ही यहाँ पर सब्जी की भी खेती यहाँ पर होती है। तो कई ट्रकों पे भर करके यहाँ पर जो सब्जी है वो भेजी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग जो श्रद्धालु हैं, जो दान की प्रक्रियाएं होती है पुनीत, आप सभी को पता है कि अलग अलग तरीके से कोई स्वेच्छा से जाकर के दान देता है, कोई गुप्त दान देता है, तो कई ऐसे भक्त भी हैं राम के जो गुप्त दान देना चाहते हैं। इसके अलावा 22 तारीख को
राज्य सरकार ने खास तौर पर अवकाश घोषित किया है, ड्राई डे घोषित किया है, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ में राम भांजे हैं, छत्तीसगढ़ के ये ननिहाल है और यहाँ पूरी तरह से भक्ति भाव से पूरे लोग सराबोर हैं। आप जहां भी जाएंगे जय श्री राम के नारे हैं, गूंज रहे हैं, जो कार्ड है वो निमंत्रण दिया जा रहा है। यहाँ पर 68 लोगों को निमंत्रण भी आया है, साधु संत है, समाज के प्रमुख है। इसके अलावा अगर हम कांकेर की बात करें तो कांकेर की जो पोस्टमार्टम करती है महिला, उन्हें भी निमंत्रण आया है, तो बड़े सौभाग्य महसूस कर रहे हैं लोग। और जिसकी अपनी जैसी श्रद्धा है वो भगवान की चरणों में अयोध्या में अर्पित करने को बिल्कुल आतुर है। और खास बात यह है, जब यहाँ पर बहुत सारे लोग जाएंगे तो छत्तीसगढ़ वैसे भी जो है कला संस्कृति के साथ साथ सेवा के रूप में जाने जाते हैं, तो यहाँ से डॉक्टरों का दल भी कल रवाना किया गया है, बकायदा ध्वज दिखा करके मंत्रियों ने रवाना किया है, वहां पर अपनी सेवाएं देंगे, आने वाले समय में पुनित और भी सेवाएं देंगे। तो छत्तीसगढ़ में दान का सिलसिला लगातार अभी जारी है जी पुनित। और सरकारी तौर पर या सरकार की तरफ से चावल भेजा जा रहा है, सब्जियां भेजी जा रही हैं, लेकिन अभी तो उस दान के बारे में तो कोई उसका हिसाब ही नहीं होगा युगल, जाहिर सी बात है, जो कि श्रद्धालु अपनी तरफ से पहुंचाना चाहते हैं और उसकी भी बड़ी संख्या और बड़ी मात्रा निकलकर सामने आने वाली है। यही तो है हिंदुस्तान की खासियत, खसूसियत यही है कि हिंदुस्तान जब दान देने पर आता है तो आप समझ लीजिए कि जगह रखने की कम पड़ जाती है। अयोध्या में क्या कुछ होने वाला है ये तो खैर आने वाली तस्वीरें और 22 तारीख को पता चलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय भी जुड़े हुए हैं, अजय जुड़े हुए हैं उज्जैन से, महाकाल की नगरी से। और अजय, तस्वीरें आई हैं, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कितनी बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैयारी चल रही है, बाबा महाकाल के दरबार से पहुंचाया जाएगा प्रभु श्री राम। दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य बताते हैं, श्री राम जो है महादेव को अपना आराध्य बताते हैं, शिव को आराध्य बताते हैं, तो शिव जो है वो राम की प्रशंसा करते हैं और रामचरितमानस में इसका जिक्र भी है शुरुआत में। तो अब जो है बाबा महाकाल की नगरी से लड्डू पहुंचाए जा रहे हैं। ये देखिए, उज्जैन से श्री राम का बड़ा ही नाता जुड़ा हुआ है, क्योंकि वनवास के दौरान श्री राम जो हैं, राम लक्ष्मण सीता तीनों जब वनवास के दौरान उज्जैन पहुंचे थे, तो जहाँ पर उन्होंने चिंतामन भगवान की स्थापना की थी, चिंतामन इच्छामन और मनसामन तीनों इस मूर्तियों की स्थापना तीनों ने अलग अलग उसमें की थी। इसी के साथ जब राजा दशरथ का देहांत हो गया था तो प्रभु श्री राम ने उज्जैन के राम घाट पर उनका पिंडदान तर्पण किया था, तो इसीलिए उज्जैन का उनसे नाता जुड़ा हुआ है। इसी के साथ ही जो महाकालेश्वर मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं बड़ी संख्या में, उनके जो लड्डू चढ़ते हैं और जो लड्डू भगवान के श्रद्धालु अपने साथ ले जाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि शुद्ध घी से और ड्राई फ्रूट से और बेसन से साफ सुथरा एकदम माहौल में बनाया जाता है, ताकि अच्छी क्वालिटी का श्रद्धालु को मिल सके। वहीं प्रदेश के मुखिया जो है डॉक्टर मोहन यादव, उनके द्वारा आज घोषणा की गई है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो चढ़ने वाला लड्डू है वो 5 लाख जो लड्डू हैं वो अयोध्या जाएंगे। 22 जनवरी को भगवान राम जब अपने मंदिर में विराजित होंगे तो उसको लेकर यह उज्जैन का लड्डू जो है श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महाकालेश्वर मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं तो वो उज्जैन का लड्डू ले जाना नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का लड्डू भगवान महाकाल को अर्पित किया होता है। अब यही लड्डू जो है भगवान प्रभु श्री राम के दरबार में पहुँचेगा और वहाँ पर सबको वितरित किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब भगवान श्री राम की स्थापना होगी तो भगवान महाकाल की नगरी के लड्डू वहाँ के श्रद्धालुओं को खाने को मिलेंगे और शुद्ध घी का लड्डू मिलेगा। यह इसकी तैयारियाँ पुरजोर तरीके से की जा रही है। यहाँ पर आज कलेक्टर ने पूरा दौरा किया और उसकी तैयारियों को देखा है और बड़े स्तर में जो महाकाल मंदिर के कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं और पूरी तरीके से लड्डू को बनाने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं 5 लाख पैकेट भी बनवाए गए हैं जिसमें एक एक लड्डू को पैक किया जाएगा, ताकि जब लड्डू वहाँ पर श्रद्धालु खोलेंगे तो उनको एक बढ़िया पैकिंग में मिलेंगे और महाकालेश्वर मंदिर का उसमें फोटो होगा उसमें, ताकि जो श्रद्धालु है वो देख सकेंगे कि उज्जैन के महाकाल का प्रसाद है और उनको खाने के लिए मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक महाकाल और उज्जैन वासियों के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि जिस तरीके से प्रभु श्री राम का जो 500 सालों से जो एक आस्था का केंद्र है और काफी समय से इंतजार था कि मंदिर की स्थापना हो, वो साकार होने जा रहा है जी। बिल्कुल, वो साकार होने के लिए जा रहा है। और इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं एक बार। महाकाल से नगरी से बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी।
तो इस पूरे अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद जो है वहां पर भेजा जाएगा। इसके अलावा 2100 किलो का घंटा भी भेजा जा रहा जो कि एटा में तैयार किया गया है। तो कितनी भव्य तैयारियां हैं ये हमारे सभी दर्शकों ने देखा, और ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको बताते रहेंगे, न्यूज चैनल के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि कितनी भव्य तैयारी रामलला के लिए की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, युगल आपका भी शुक्रिया, और साथ ही में हमारे सहयोगी अजय जुड़े हुए थे उज्जैन से, अजय आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अब रामलला का दरबार जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है और तैयार हो चुका है और केवल इंतजार 22 जनवरी का ही है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और तब उस दिन जो है हम देखेंगे कि अलग अलग पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगहों से जो उपहार प्रभु श्री राम को भेजे गए हैं वहां पर उनको उनका चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। और ये लोगों की आस्था ही है, लोगों की आस्था है, और इसी आस्था के चलते लोग जो हैं अपनी आस्था इस तरीके से दर्शा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में जुड़ने के लिए, और दीजिए इजाजत। नमस्कार।